वन दिवस मनाया गया। इसी के चलते कटुझार जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जिले के सभी वन अधिकारी और जनता मौजूद रही। आपको बता दें कि 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के प्रस्ताव को पारित किया था। यह प्रस्ताव वन आवरण की कमी और वन संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पारित किया गया था, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें, साथ ही लोग पर्यावरण की महत्वता को समझ सकें। पूरे देश में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी के चलते केंदुझार जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के प्रस्ताव को पारित किया था। यह प्रस्ताव वन आवरण की कमी और वन संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पारित किया गया था, जिसके लिए लोग स्वस्थ रहें और साथ ही लोग पर्यावरण की महत्वता को समझ सकें। तारीख को इसका मुख्य उद्देश्य इस साल का इसका थीम है लर्न टू लव फॉरेस्ट फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर आवर बेटर फ्यूचर। जंगल को क्या प्यार करना सीखना हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, इस वर्ष का ये थीम है। इसीलिए ये वन दिवस प्रत्येक वर्ष पालन किया जाता है। ये 1913 से शुरू हुआ है, अभी तक ये पालन किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है सब इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट संस्थाएं सब जगह लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि लोग जंगल सुरक्षा या वन्य प्राणी सुरक्षा का क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है।